अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। स्टेटिस्टिक्स की सीरीज़ में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। और आज की इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, हमें ये डेटा पॉइंट्स गिवन है। आज की इस प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बेसिकली इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे और फाइनली हम उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली किस तरह से बनता है। इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेस लाइन इज डिवाइडेड इंटू द सेक्शंस ऑफ क्लास बाउंड्रीज एंड वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटरवल। जो हमारे पास बेस लाइन होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर मिड पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइन्स क्रिएट करते हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। और साथ में जो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, वो चीज़ क्या शो कर रही होती है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज शो कर रही होती है। तो चलिए पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे और फाइनली फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर वी हैव सम डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स हमारे पास अरेंज नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है। ठीक है, तो या आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ये रैंडमली ऐसे ही नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है रेंज की वैल्यू और दूसरा हमें चाहिए होता है साइज़ की वैल्यू। रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आपको डेटा पॉइंट्स में गिवन होती है, उस हाईएस्ट वैल्यू में से आप माइनस कर देते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू को। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आपको 97 दी गई है और सबसे बड़ी वैल्यू आपको 245 दी गई है। तो आपने 245 में से माइनस किया 97 इज़ इक्वल्स टू, आंसर आपको मिल गया 148 क्या है, 148 आपकी रेंज है। उसके बाद आपने साइज़ निकालना है। साइज़ आप कैसे निकालेंगे, रेंज की वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो 148 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 29.6 अप्रॉक्सीमेटली 30। ठीक है, साइज़ हमें मिल गया 30 का। अब ये 30 क्या है, 30 मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब ये है, क्लास इंटरवल के डिफरेंस आप रखेंगे 30-30 का। कैसे, देखो 97 हमारी सबसे छोटी वैल्यू थी, इसलिए हम 1 माइनस करके 96 से स्टार्ट करते हैं। हमेशा हम 1 माइनस करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 96 से स्टार्ट किया, 96 से 125 तक की वैल्यूज हमने पहले क्लास इंटरवल में रखी हैं। अब आप कहेंगे कि 125 तक ही क्यों रखी, आपने 120 तक क्यों नहीं रखी, 130 तक क्यों नहीं रखी। 125 तक हमने इसलिए रखी है क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल का साइज़ 30 आया था। तो 96 के बाद जब आप 30 काउंट करेंगे तो आप 125 तक पहुंचेंगे। इतना इतना डिफरेंस आपने रखना है। 125 के बाद 126 से स्टार्ट किया और 30 के डिफरेंस तक का किया। 156 के बाद 155 के बाद 156 से किया और 30-30 का डिफरेंस करके हम 245 तक पहुंच गए। 245 पे हमने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 245 थी। ओके, क्लास इंटरवल का कॉलम हमारा फिल हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं आप, देखें ये हमारे पास डेटा सेट गिवन है ना, इसमें आप क्या करते हैं, 96 से लेके 125 तक के दरमियान की कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं वो आप काउंट करते हैं। ठीक है, वो 5 आ रही थी। 126 से लेकर 155 तक के दरमियान की कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, टोटल 6 थी, वो हमने काउंट करके यहाँ पर रख ली। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसीज़ को निकाल लिया। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ की। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालते हैं, देखो क्लास बाउंड्री का हमारे पास फॉर्मूला था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। बाउंड्रीज़ इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड इंटरवल। अच्छा, डेफिनेशन हमारे पास है, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ आपने क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे निकालना है। बहुत ही आसान है, सिंपल सा वे ये है कि देखो जो आपको फर्स्ट वैल्यू दी गई है ना, इसमें से आप माइनस कर दें 0.5 और सेकेंड वाली वैल्यू में आप प्लस कर दें 0.5। इसमें माइनस कर दें 0.5, इसमें प्लस कर दें 0.5, माइनस प्लस इस तरह से। अब 96 में आप माइनस 0.5 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 95.5। इसमें आप प्लस 0.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125.5। इसी तरह से आप 0.5 माइनस करते जाएँ, 0.5 प्लस करते जाएँ, आपको आपकी क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज मिल गई, अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट आपने कैसे निकालना है,
मिड पॉइंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए यू शुड हैव मिड पॉइंट वैल्यूज़। मिड पॉइंट वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने क्लास बाउंड्रीज के दोनों पॉइंट्स को प्लस करना है, डिवाइड कर देना है टू से। क्या मतलब, 95.5 प्लस 125.5 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट की वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 125.5 प्लस 155.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ये आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह से आपने सबका मिड पॉइंट्स निकालना है। अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मौजूद है, आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने का फॉर्मूला वे सिंपल है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन आपके पास शो कर रही होती है फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो कर रही होती है आपकी क्लास बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़। अब क्लास बाउंड्री में हमारे पास स्टार्ट हुआ था 95.5 से, जीरो के बाद हमने लिखा 95.5, फिर 125.5, 125.5, देन 155.5, 155.5, कहाँ तक किया हमने, 245.5 तक। ठीक है, अब देखो इन क्लास बाउंड्रीज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5, इसलिए हमने इसका रेक्टेंगल बनाया है 5 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 6, इसका हिस्टोग्राम रेक्टेंगल बनाया हमने 6 तक। इसका कितना था, 11, इसका हमने बनाया है रेक्टेंगल 11 तक। ठीक है, इस तरह से जितनी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ रही थी उसके हिसाब से आपने हिस्टोग्राम बना दिया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने का जो वे है वो बहुत ही सिंपल है, वो इस तरह से आप बनाते हैं। देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं आपके पास, आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ की भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास वर्टिकल लाइन में आएंगी, और जो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगी। अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए 95.5, 125.5, 155.5 ये क्या थी, ये क्लास बाउंड्रीज थी। अब जो हमने यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन अब क्रिएट की है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये था, इन दोनों का मिड पॉइंट ये था 110.5, वो यहाँ पर आ रहा था, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 5, तो हमने इसको 5 तक ही ड्रॉ किया है। इस मिड पॉइंट को हमने 6 तक ड्रॉ किया है। ठीक है, इस वाले मिड पॉइंट को हमने 11 तक ड्रॉ किया है। आप चाहें तो पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम एक साथ भी बना सकते हैं इनकी मिड वैल्यूज़ में। किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से, इनका मिड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको और वीडियोस देखनी है तो आप माय चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीगॉन लिखा हुआ है। पॉलीगॉन क्या होता है, हमारे पास मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आप इसको स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम्स आप कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज के ऊपर बनाते हैं और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बनाते हैं। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि पॉलीगॉन हमेशा आप मिड पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइंस बना देते हैं, और हिस्टोग्राम में आप क्लास बाउंड्रीज पर रेक्टेंगल्स बना देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट किया है, हमने हिस्टोग्राम बनाया है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।